स्वागत करता हूं टेक न्यूज़ के बाद ही फ्रेश एपिसोड में और एक बार फिर लाया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पर सबसे पहले पुराने पोल की, जहां पर सवाल आप सभी लोगों से यह था कि भाई अगर आप सभी लोगों को अपने स्मार्टफोन में टिकटॉक चलाने को ना मिले तो आप सभी लोगों को कैसा फील होगा। तो आप में से 50% लोगों ने कहा भाई मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगेगा, और 50% लोगों ने ही कहा है भाई कि मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी अगर अपने स्मार्टफोन में मुझे टिकटॉक चलाने को ना मिले। तो भाई आज का सवाल आप सभी लोगों से ये है कि भाई मैं आप सभी लोगों के प्यार की वजह से, दुलार की वजह से भाई एक ट्राइपॉड खरीदा हूं एक अच्छी तरीके से वीडियो शूट करने के लिए। तो क्या आप सभी लोग इसका एक डेडिकेटेड वीडियो, एक अनबॉक्सिंग वीडियो काफी अच्छे तरीके से देखना पसंद करते हैं? क्या है आपकी राय बताएगा अपनी राय ऊपर दिए गए पोल में नीचे कॉमेंट्स में, और सारी बातें मिला लो दबा दो इस लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं पर सबसे पहले अपडेट की निकल कर आता है पबजी की तरफ से, और दोस्तों यहां पर पबजी की तरफ से आया 0.12 का अपडेट जिसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। फायदा यार बहुत ज्यादा है, लिस्ट काफी लंबा है जो कि मैं आप सभी लोगों को बता नहीं सकता। फायदा काफी देखने को आपको इसमें मिलेगा। अगर आप इस अपडेट को अपडेट करना चाहते हैं यानी पबजी मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर लीजिए। साइज है इसका 475 MB का अपडेट है, तो यार कुछ ऐसे ज्यादा है नहीं। अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर लीजिए, बहुत सारा फायदा इसमें आपको देखने को मिलेगा अपने पबजी मोबाइल में। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है रियलमी 3 प्रो की तरफ से, और दोस्तों यहाँ पर रियलमी 3 प्रो का प्री ऑर्डर शुरू हो चुका है आज 12 बजे। तो भाई अगर आप इस स्मार्टफोन का प्री ऑर्डर करना चाहते हैं यानी कि कुछ दिन पहले से ही अगर आप इसका ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। आज 12 बजे से इसका प्री ऑर्डर शुरू हो गया है। अगर मेरी सलाह लो, मेरी बात मानो तो यार प्री ऑर्डर मत करो, क्योंकि यार बहुत सारी इसमें समस्याएं देखने को मिल जाती। हालांकि मैं इस स्मार्टफोन की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर कुछ समस्या ये हो जाती कि मान लीजिए आप इस स्मार्टफोन में कोई ऐसा चीज देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस स्मार्टफोन में चाहते हैं कि यार मुझे ये फीचर मिले, उसके बाद जब आप इसको ऑर्डर कर लें और आपके सामने जब ये स्मार्टफोन आए और आपको वो फीचर देखने को ना मिले तो काफी ज्यादा दुख होता है हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों को होगा। तो जहां तक मेरी सलाह ये है कि आप इस स्मार्टफोन को जब पूरी तरीके से लॉन्च हो जाए तब उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल कर आता है सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से, और दोस्तों यहां पर सैमसंग गैलेक्सी का A70 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइस की बात करें भैया तो प्राइस है इसका 28,990 रुपया, और भाई बैटरी की बात करें तो भाई बैटरी है इसका 45 mAh की बैटरी। प्रोसेसर की बात करें भाई तो प्रोसेसर है इसका स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर, और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग। तो काफी खुशी की बात होती है कि यार फास्ट चार्जिंग सुनते हैं यार मन में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि बस मोबाइल में के चार्जिंग पोर्ट पर लगाओ और जल्दी से मोबाइल चार्ज हो जाए, तो काफी ज्यादा खुशी की बात होती है। तो भाई फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी का A70 स्मार्टफोन। अब देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी जो फोल्डेबल फोन है और तमाम तरह की जो अभी पेंडिंग में जो जितने सारे स्मार्टफोन है उसको कब इंडिया में लॉन्च करता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल कर आता है टिकटॉक को लेकर, और दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि टिकटॉक यार पूरी तरीके से इंडिया में बैन हो चुका है। हालांकि यार मैं भी सोचता था कि यार मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊं, लेकिन यार क्या करूं मेरे अंदर यार बहुत ज़्यादा ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार नॉलेज बहुत ज़्यादा यहां पर दिमाग में मैं रखा हूं कि मैं आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें यहां से वहां से उठा कर आप सभी लोगों को एक बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाकर आप सभी लोगों के बीच जानकारी शेयर करूं। लेकिन यार ये हो जाती है कि यार मेरे यहाँ की लाइट बहुत ज्यादा बेकार है। लाइट देखो यार, अभी जो मैं टिकटॉक शूट कर रहा हूँ ये दिन में मुझे शूट करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा बेकार है यार, बहुत 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 ज्यादा। लेकिन यार यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात, आप सभी लोग परेशान मत होइएगा, मैं इसका हल 2-3 दिन में निकालूंगा यार, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या हो चुका है। आप सभी लोगों के मन में आएगा कि यार आप चले जाओ बाहर आउटडोर में वीडियो शूट करो, लेकिन यार आउटडोर में वीडियो नहीं शूट कर सकता क्योंकि वहां पर भी कुछ समस्या मेरे लिए है। लेकिन आप परेशान होइए, बहुत जल्दी आपको देखने को वीडियो मिलेगा। तो यहां पर बात कर रहा था मैं टिकटॉक के बारे में, तो टिकटॉक यार फाइनली इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से यहां पर बैन नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरे कुछ भी दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो लोग भाई एपीके इसका डाउनलोड कर रहे हैं और उसके बाद आराम से इस टिकटॉक का यूज कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उतनी अच्छी तरीके से भी बैन नहीं हुआ है। अब इसका लास्ट जो चांस है कोर्ट का आएगा 24 तारीख को, और वही 24 तारीख को एकदम पूरा का पूरा एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा कि कौन यूज कर सकता है, मतलब प्ले स्टोर से हटाया जाए या रखा जाए, यूज किया जाए ना किया जाए, इसका लास्ट चांस 24 तारीख को देखने को मिलेगा हम सभी लोगों को कोर्ट के अनुसार। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है Xiaomi की तरफ से, और दोस्तों यहाँ पर Xiaomi का एक आया है पंप
पंप जिससे आप अपने साइकिल में हवा भर सकते हैं, यानी कि सैमसंग का यहाँ पर आया है साइकिल पंप जिसकी मदद से आप अपने साइकिल में हवा भर सकते हैं। तो काफी ज्यादा खुशी की बात होती है यार कि पता नहीं क्या क्या स्वामी निकालता है, और कभी कभी सुनकर काफी ज्यादा खुशी होता है और कभी कभी ऐसे सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो ये पंप है काफी ज्यादा देखने में कूल लग रहा है, काफी ज्यादा क्यूट है यार, पर एक छोटा सा। और भाई प्राइस की बात करें इसका, तो प्राइस है इसका 2000 रुपए के करीब। अगर आप इस साइकिल पंप को लेना चाहते हैं शाओमी का तो ले सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर देखने में कूल लग रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे क्लियर हो जाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में यही इतना ही।